पश्चिम बंगाल में नगर निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 4 नगर पालिकाओं में जीत दर्ज की है, जबकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 3 नगर पालिका पर कब्जा करने में कामयाब रहा। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि दशकों बाद इस क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर चल रही बहस में बुधवार को केंद्र ने पूरी मजबूती से अपनी दलीलों को शीर्ष कोर्ट के सामने रखा। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्र अभी ट्रिपल तलाक पर बहस कर रहा है, लेकिन वो तलाक के सभी मौजूदा तरीकों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़ाकर विधेयक लाने को भी तैयार है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर मंगलवार को पड़े छापे के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। बुधवार को पटना में आरजेडी कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा करने पहुंचे। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बीजेपी दफ्तर पर हुए हमले पर कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। वहीं आरजेडी का कहना है कि हमला पहले बीजेपी की तरफ से हुआ है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 15 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि इस दौरान किसी भी नक्सली का शव बरामद नहीं हुआ है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक कुलदीप सिंह ने बताया कि बुरकापाल हमले के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर बैन है, लेकिन इसके बावजूद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN के जरिए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 26 अप्रैल को पत्थरबाजी और हिंसा से निपटने के लिए 22 वेबसाइट्स पर बैन लगाया था। इस मामले में पुलिस का कहना है कि उसे VPN के इस्तेमाल की जानकारी मिली है और इस पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को अभी महज 20 दिन ही बीते हैं और अब तक 17 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुई हैं। केदारनाथ में अब तक लगभग 1,08,000 लोग यात्रा कर चुके हैं। वहीं भगवान बद्री विशाल में पहुंचने वालों की संख्या 1.5 लाख पार कर चुकी है। पेटीएम 23 मई से अपने पेमेंट बैंक का ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। इसके लिए कंपनी को रिजर्व बैंक से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इस बैंक में आप एक अकाउंट में 1 लाख रुपए तक जमा कर सकेंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने ये जानकारी दी है। रूस के स्टार खिलाड़ी मारिया शारापोवा इस साल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। टूर्नामेंट के अधिकारियों ने उन्हें वाइल्ड कार्ड नहीं देने का फैसला किया है। बाहुबली 2 फिल्म का हिंदी रूपांतरण भारत में हिंदी फिल्मों की कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 450 करोड़ रुपए क्लब के काफी करीब पहुंच गया है। 28 अप्रैल को रिलीज हुई इस फिल्म ने देश ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कारोबार के अंत में निफ्टी 6 अंक बढ़कर 9,518 के लेवल पर और सेंसेक्स 76 अंक बढ़कर 30,658 के लेवल पर बंद हुआ है। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 9,528 और सेंसेक्स ने 30,677.8 का लेवल भी टच किया था। सबसे ज्यादा तेजी मेटल और पावर सेक्टर में देखी गई है। वहीं ऑटो शेयरों में भी तेजी जारी है।